मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूँ छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। जल्द सगाई करने वाले हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की रिलेशनशिप की खबरें इन दिनों चर्चा में हैं। दोनों जल्द ही निर्देशक अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं। दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है। आलिया रणबीर ने एक दूसरे के पारिवारिक इवेंट्स में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया है, जहां रणबीर कई बार आलिया के घर पे दिख चुके हैं। वहीं आलिया भी रणबीर के परिवार के काफी नजदीक देखी जा चुकी हैं। अब ऐसी खबरें हैं कि दोनों जल्द ही सगाई करने वाले हैं। बॉलीवुड लाइफ की एक खबर के मुताबिक रणबीर की मां नीतू चाहती हैं कि जल्द ही दोनों सगाई कर लें, इसके लिए उन्होंने जून का महीना चुना है। वहीं रणबीर आलिया अपने रिश्ते को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, वो ब्रह्मास्त्र की रिलीज के बाद ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विवादों में फंसी चीट इंडिया, बदल गया फिल्म का नाम। अभिनेता इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म चीट इंडिया का शीर्षक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC की आपत्ति के बाद बदल दिया गया है। अब फिल्म का नाम वाई चीट इंडिया होगा। फिल्म के निर्माताओं और इमरान हाशमी फिल्म्स की ओर से जारी एक बयान के अनुसार CBFC को चीट इंडिया शीर्षक को लेकर चिंताएं थी। ये फिल्म इसी नाम के साथ एक साल से चर्चा में है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसका टीजर, ट्रेलर और टेलीविजन प्रोमो पहले ही मूल शीर्षक के साथ प्रमाणित हो चुके हैं। रिलीज से एक सप्ताह पहले नाम में बदलाव दो तरह की बात की वजह बन सकता है। समय की कमी के कारण हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हम आपसी सहमति के बाद वाई चीट इंडिया नाम पर तैयार हो गए। एलिप्सिस एंटरटेनमेंट के तनुज गर्ग ने फिल्म के नए पोस्टर को शेयर किया और उसके कैप्शन में लिखा, मत पूछिएगा वाई चीट इंडिया। देशभक्ति को कैसे टक्कर दे पाएंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। साल 2019 की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर दो ऐसी फिल्मों की भिड़ंत होने जा रही है जिसमें देशभक्ति और राजनीति टकराने वाली है। एक तरफ जहां साल 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी पहले ही दर्शकों के बीच छाई हुई है, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर विवाद गर्माता जा रहा है। दोनों ही फिल्में 11 जनवरी को रिलीज हो गई हैं। फिल्म उरी में दिखेगा देशभक्ति का दम। 18 सितंबर 2016 को कश्मीर के उरी बेस कैंप पर हमला हुआ था, जिसके बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठाकर अपने जवानों की शहादत का बदला लिया था। बात करते हैं फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म में अनुपम खेर ने पूर्व प्रधानमंत्री का किरदार निभाया है। फिल्म में दिव्या सेठ शाह ने पीएम मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर का किरदार निभाया है। अर्जुन माथुर राहुल गांधी बने हैं और अहाना कुमरा प्रियंका गांधी के रूप में नजर आएंगी। फिल्म रिलीज से पहले ही कोर्ट कचहरी में पहुंच गई है। रिलीज हुआ मणिकर्णिका का पहला गाना। कंगना रनौत की अदाकारी हर बार लोगों का दिल जीतने में कामयाब होती है। ऐसे में जब कंगना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में नजर आने वाली हैं, तो उनका हर अंदाज शाही हो गया है। अब फिल्म का पहला गाना विजयी भाव भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस गाने विजयी भाव के बोल देशभक्ति की भावना से भरे हुए हैं, जिसे सुनकर कोई भी अपने देश पर नाज किए बिना नहीं रह सकता। वहीं कंगना यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें कंगना एक सशक्त महारानी के रूप में नजर आ रही हैं। वो अपनी महिलाओं को सेना की ट्रेनिंग देती हुई दिखाई दे रही हैं। विजयी भाव में कंगना लाल साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनके चेहरे पर हाव भाव भी कहीं से कहीं तक किसी साहसी योद्धा से कम नजर नहीं आ रहे। खास तौर से तलवारबाजी के दौरान कंगना की आंखों के तेवर जबरदस्त लग रहे हैं। कंगना के साथ इस वीडियो में छलकारी बाई के किरदार में अंकिता लोखंडे भी काफी शानदार दिख रही हैं। उनके साथ सीनियर एक्टर डैनी भी फिल्म में अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने बॉलीवुड स्टार से की मुलाकात। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें फिल्म जगत के नौजवान स्टार्स को आने को कहा गया था। बैठक में करण जौहर से लेकर आलिया भट्ट तक पहुंचे थे। इस बैठक में रणवीर सिंह के साथ साथ रोहित शेट्टी, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकी कौशल, राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, एकता कपूर, करण जौहर भी पहुंचे थे। बैठक में अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बारे में भी बात की गई कि देश निर्माण में हिंदी सिनेमा का बड़ा योगदान रहा है। वहीं टिकटों पर GST घटाने पर सभी स्टार्स ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब बॉलीवुड में 3 राजनीतिक फिल्मों पर प्रभाव डाला गया है। इसमें विवादित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और खुद प्रधानमंत्री पर बन रही बायोपिक का नाम शामिल है। रणवीर सिंह ने पीएम मोदी को दी जादू की झप्पी। बॉलीवुड के यंग स्टार्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। यहां रणवीर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को जादू की झप्पी देते हुए तस्वीर क्लिक कराई। रणवीर सिंह ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रणवीर सिंह ने फोटो को कैप्शन दिया, जादू की झप्पी, पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई।
तीन चार महीने की शूटिंग में पूरी हो गई सलमान खान की दबंग 3। सलमान खान चाहे जितने भी सुपरहिट्स ले आए लेकिन उनके ऐसे फैंस बहुत हैं जो सिर्फ अपने सुपरकॉप चुलबुल पांडे यानी दबंग के दीवाने हैं। इन दिनों लंबे समय से सलमान की सीक्वल फिल्म दबंग 3 को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसे जानकर सलमान भाई के फैंस खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि अब खुद फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज खान ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने की बात पर मुहर लगा दी है। दबंग 3 निर्माता अरबाज खान ने एक इंटरव्यू में कहा है, हाँ दबंग 3 अप्रैल में फ्लोर पर जाएगी। इसके साथ ही अरबाज ने बताया, हम सभी इस फिल्म के लोकेशन पर काम कर रहे हैं, जैसे ही हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो सलमान खान और प्रभुदेवा इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। खास बात यह है कि इस बार डांसर और एक्टर प्रभुदेवा दबंग 3 का निर्देशन करने जा रहे हैं। फिल्म ठाकरे के साथ मणिकर्णिका के टकराव पर कंगना का बयान। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी रिलीज के लिए तैयार है। 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ठाकरे भी रिलीज हो रही है। हालांकि कंगना को पूरी उम्मीद है कि एक ही दिन दो बड़ी फिल्मों के रिलीज होने के बावजूद उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगी। कंगना से जब पूछा गया कि क्या बाल ठाकरे की बायोपिक और उनकी फिल्म मणिकर्णिका के एक साथ रिलीज होने पर वो कोई दबाव महसूस कर रही हैं, उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें ना तो किसी ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने के लिए कहा और ना ही हम किसी भी तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं। कंगना ने कहा, हमें किसी ने भी इस मामले में अप्रोच नहीं किया है और चूंकि ये फिल्में फेस्टिवल रिलीज हैं तो हम खुश हैं कि दोनों ही फिल्मों को बेहतर प्रदर्शन के लिए स्पेस मिल सकेगा। मणि रत्नम की फिल्म में अमिताभ और ऐश्वर्या आएंगे एक साथ नजर। ऐश्वर्या राय बच्चन अब हर फिल्म बड़े ही सोच समझकर साइन करती हैं, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि ऐश्वर्या लंबे समय के बाद अपने ससुर और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। ये दोनों मणि रत्नम की अगली फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ एक ऐसे साउथ सुपरस्टार के होने की खबर भी सामने आ रही है। ये फिल्म तकरीबन 3 साल से लिखे जा रहे एक उपन्यास पर आधारित है। ये एक बड़े बजट का ऐतिहासिक ड्रामा है जिसे बाहुबली फ्रेंचाइजी की तर्ज पर बनाया जा रहा है। ऐश्वर्या ने मणिरत्नम को इस फिल्म के लिए हामी भर दी है। इसके साथ ही ऐसी खबर भी सामने आई है कि फिल्म मेकर अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में लेना चाहते हैं। उन्होंने अमिताभ को फिल्म की स्क्रिप्ट सुना दी है लेकिन बिग बी ने अब तक हाँ नहीं की है, इस बात की कोई पुख्ता खबर नहीं मिली है। याद दिला दें तो 11 साल पहले अमिताभ और ऐश्वर्या आखिरी बार 2008 में फिल्म सरकार राज में एक साथ नजर आए थे। अब नहीं दिखेंगी मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की तस्वीरें। पिछले साल जहां बॉलीवुड के कई कपल शादी के बंधन में बंधे तो कई नए जोड़े भी सामने आए। इन नए जोड़ों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि इस कपल की तस्वीरें सामने आना बंद ही हो जाएं। ऐसा नहीं है कि इस कपल का रिश्ता टूट गया है या दोनों के बीच कोई तनाव चल रहा है, बल्कि तस्वीरें सामने ना आने के पीछे वजह है अर्जुन कपूर की पजेसिवनेस। अर्जुन अपने रिश्ते और गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को लेकर काफ़ी पजेसिव हो गए हैं, इसलिए उन्होंने फोटोग्राफर से अपने घर के बाहर ना खड़े रहने की गुजारिश की है। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया अर्जुन और मलाइका की तस्वीरों से ही पटा पड़ा है। बस इसी बात से अर्जुन परेशान हो गए। सुनने में आ रहा है कि अर्जुन इस बात से नाराज़ हैं कि फोटोग्राफर्स एक तस्वीर के लिए हर रात उनके और मलाइका के घर के बाहर खड़े रहते हैं, इसलिए अर्जुन ने फोटोग्राफर से ये गुजारिश कर डाली है। इतना ही नहीं, अर्जुन ने ये भी कहा है कि वो घर के बाहर तस्वीरें देने के लिए तैयार हैं लेकिन देर रात तक उनकी बिल्डिंग के पास ना खड़े रहें। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज़ के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।